बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी चीज़ को पहली फुर्सत में रखना ज़रूरी है तो आपका ज़हनी सुकून है, बाकी सब चीज़ें आरजी हैं। लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता और ना ही वो आपके मालिक हैं। लोग आपके ना ही राजिक हैं, उन्होंने आपको तहलीक नहीं किया, सो उन्हें इस बात की इजाज़त ही क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भर दें और आपको आप ही की नज़रों में बेवकूफ बना दें। अपनी कदर कीजिए क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। आपने सिर्फ अल्लाह को याद रखना है, अल्लाह को देखना है, अल्लाह को सुनना है, अल्लाह से बातें करनी है। वो तुम्हारी दुआएं सुनता है, तमाम उन आंसुओं को जानता है जो अब तक तुमने बहाए हैं। वो ज़रूर तुम्हें नवाज देगा जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है। इस पर यकीन रखने से सब मुमकिन हो जाता है, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। यकीन की एक डोर टूटती है तो अल्लाह तुम्हारी दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। तुम थक कर रुकते हो तो अल्लाह चलने की एक नई वजह दे देता है। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। अल्लाह पर तवक्कल करना सीखें और अपने मामला तो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें। अल्लाह हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारी खताओं को माफ़।